Assalamu alaikum. We have covered the hydrogen section of the chapter, hydrogen and water. Now we're going to start the water. Water is the most common substance known and is a remarkable substance. Water jo hai is duniya ka sabse common substance hai. Yani taqriban nahi balki sabko hi pata hai pani kya hota hai aur uski bahut zyada ahmiyat hai although hum logo itna ehsaas nahi hota. Water is one of the most abundant compounds on earth. अर्थ में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं उसमें से एक वाटर है. वाटर इज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट फॉर मैनी केमिकल सब्सटेंसेस एंड थस नेवर अकर्स इन प्योर स्टेट इन नेचर. वाटर बहुत ही एक्सलेंट, बहुत ही बेहतरीन सॉल्वेंट है, यानी कि वो आसानी से बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से ये अक्सर जो है ये जबकि ये अपने प्योर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता. कभी ये बर्फ के फॉर्म में होता है तो कभी ये सॉल्टिश वाटर के फॉर्म में होता है. तो प्योर फ्रेश वाटर जो है हमारे पास दुनिया के अंदर नेचुरली जो अकर होता है बहुत ही कम मिकदार में होता है. मोस्टली वाटर जो अकर कर रहा होता है अर्थ के अंदर वो एक कंपाउंड से मिक्स हुआ होता है, एक सोल्यूशन की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा होता है नेचुरली. वाटर विच इज फाउंड इन द नेचुरल स्टेट इज नोन एज नेचुरल वाटर. जो फ्रेश वाटर नेचुरली हम लोगों को दुनिया में मिल रहा होता है दैट इज नोन एज नेचुरल वाटर. ऑन द अदर हैंड वाटर विच हैज रिसीव्ड सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज नोन एज ट्रीटेड वाटर. अब कुछ ऐसे पानी होते हैं जिसमें मिलावट होती है, वो मिलावट गंदगी भी हो सकती है या मिलावट नमक भी हो सकता है. अगर कोई कंपाउंड वाटर के साथ मिक्स हुआ हुआ होता है तो अगर उसमें से वाटर को हमें सेपरेट करना होता है तो उसको हम कहते हैं फिर ट्रीटेड वाटर, क्योंकि उसमें जो उसकी ट्रीटमेंट हुई होती है इन द सेंस कि उसको या तो सॉल्ट उसमें से निकाला गया या कोई और कंपाउंड उसमें से निकाला गया है. ट्रीटेड वाटर इज यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस. जो ट्रीटेड वाटर होता है वो स्पेशल पर्पस के लिए होता है. लाइक सपोज जो वाटर ट्रीट करते हैं नॉर्मल वाटर को डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट करते हैं UPS में, फिर वो डाला जाता है, ठीक है, या फिर वो पीने के पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है डिस्टिल्ड वाटर. तो यानी कि हमेशा जो पानी को ट्रीट किया गया है वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है. वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो सकता है, वो UPS के लिए हो सकता है, किसी और पर्पस के लिए हो सकता है. डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, यानी उसके अंदर किसी और केमिकल की मिलावट नहीं होती. और वाटर की फिजिकल क्वालिटीज बताते हैं. वाटर इज अ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडोरलेस लिक्विड. वाटर नेचुरली जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है शीशे की तरह, आईने की तरह. टेस्टलेस, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें कोई जायका नहीं होता. एंड ऑडोरलेस, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है. यानी अगर सपोज पानी का कोई कलर है तो यानी उसके अंदर मिलावट है. अगर पानी थोड़ा सा नमकीन है, खारा है, उसके अंदर कोई करवाट है, कोई मीठा है, तो अगेन उसके अंदर कोई मिलावट है. अगर पानी से कोई स्मेल आ रही है तो अगेन वो उसमें मिलावट है. लेकिन अगर प्योर वाटर की बात करेंगे तो इट वुड बी कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस. रंग के बगैर, जायके के बगैर और बू के बगैर ऐसा लिक्विड होता है वाटर. एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम. यानी कि वाटर की डेंसिटी होती है कि 1 cm³ में उसका कितना वजन होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होता है. यानी कि उसको क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 g/cm³ होता है. और इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 degrees Celsius, वो 0 degrees Celsius पे फ्रीज होता है. वाइल इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 100 degrees Celsius. यानी साफ पानी जो है वो 100 degrees Celsius पे बॉयल होना शुरू होता है. वाटर पजेसेस मेनी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज. वाटर के पास कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ नॉर्मल से बाहर प्रॉपर्टीज होते हैं. लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल इट मेल्ट्स एंड बॉयल्स एट मच हायर टेम्परेचर देन अदर लिक्विड्स. के अनयूजुअल यानी थोड़ा अजीब क्वालिटीज के ये हैं कि दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में इसको मेल्ट करना और उसको बॉयल करना जो है ये काफ़ी हाई टेम्परेचर में मेल्ट और बॉयल होता है. बाकी दूसरे लिक्विड्स बहुत जल्दी से मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली वाटर का जो टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट्स क्वाइट हाई. इट इज़ वन ऑफ द सेकेंड जो उसकी अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू सब्सटेंसेज दैट एक्सपेंड्स अपॉन फ्रीजिंग. यानी कि ज़्यादातर जो है सब्सटेंस जो होते हैं, ज़्यादातर जो मैटर दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो फ्रीज करने पर, ठंडा करने पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी साइज छोटी हो जाती है. ये आप लोगों ने फिजिक्स में हीट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है दैट जब हम किसी चीज़ को फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. लेकिन वाटर ऐसा सब्सटेंस है जो फ्रीज करते हैं तो वो उल्टा बढ़ जाता है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है. ठीक है, तो ये भी इसकी एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी है. ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एसेंशियल टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ. ये दोनों प्रॉपर्टीज है कि मेल्ट होता, मेल्टिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग टेम्परेचर
जो है वाटर जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए होता है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अगर लेट्स सपोज दूसरे लिक्विड की तरह वाटर की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती तो गर्मी के मौसम में जो नॉर्मल वाटर मौजूद होता है समुद्रों में दरियाओं में वो उबलना शुरू हो जाता। अगर वो उबलना शुरू हो जाता लो टेम्परेचर के वजह से, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या फिश हों, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर हैं वो भी उस बॉइलिंग वाटर में जिंदा नहीं रह पाते। तो इस वजह से जो वाटर की जो प्रॉपर्टी है, ये अनयूजुअल जो प्रॉपर्टी है उसकी, कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दूसरे लिक्विड के मुकाबले में बहुत हाई है, तो वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट कर रहा होता है ताकि लाइफ जो है जो उसके अंदर पाई जाती है वो जिंदा रहे। नेक्स्ट वी हैव इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। द वर्ड एनोमलस मीन्स एबनॉर्मल, यानी जो नॉर्मल लॉज को, जो हमारे यूजुअल जो लॉज हैं उसको फॉलो ना कर रहा हो, एबनॉर्मलिटी को कहते हैं हम लोग एनोमलस। वाटर डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है हमारे पास फिजिक्स के अंदर, दैट इज किसी चीज़ को हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होगा और किसी चीज़ को फ्रीज करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस लॉ को वो फॉलो नहीं करता वाटर। लेकिन ये किस कंडीशन में फॉलो नहीं करता, बिटवीन 0 to 4 degrees Celsius। तो वो इस टेम्परेचर के बीच में वाटर को रखा जाता है 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius में, लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को वो ओबे नहीं करता एंड शोज एनोमलस और अनयूजुअल बिहेवियर, यानी कि वो जो है एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। द रीजन फॉर दिस इज दैट वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है एंड ड्यू टू ग्रेट पोलैरिटी ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी पोलर मॉलिक्यूल के साथ साथ उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो लॉ ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता। इन विच द स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम इज अट्रैक्टेड बाय स्लाइटली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन होता है वो स्लाइटली पॉजिटिव होता है, जिसमें हम लोग सिग्मा पॉजिटिव करके हम शो करते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उनके वजह से पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है। इन दोनों वजहों की वजह से जो वाटर के एनोमलस बिहेवियर है कि वो 0 degrees Celsius से लेकर 4 degrees Celsius में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को फॉलो नहीं करता, वो इस वजह से फॉलो नहीं करता बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग ड्यू टू स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड स्लाइटली नेगेटिव ऑक्सीजन। An electrostatic attraction between the neighboring water molecule set up when the positive pole of one molecule of water attracts the negative pole of other neighboring water molecules. यानी कि एक तो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की अट्रैक्शन हो रही होती है और एक, यानी ये पूरा का पूरा ये आपस में इनकी अट्रैक्शन है और एक जो है दोनों हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन बीच में हो रही है, जो डॉटर लाइन्स हम लोग शो कर रहे हैं उनके बीच में भी अट्रैक्शन हो रही होती है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन आर रेफर्ड टू एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इट इज जनरेटेड बाय डॉटेड लाइन्स एंड इज गिवन इन फिगर 11.4। यानी कि इस फिगर में जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन जो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम बात करेंगे, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो इनके पास बॉन्ड्स बने हुए हैं दैट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑक्सीजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल, उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ सेकेंडरी बॉन्ड, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड्स बन रहे हैं। Although hydrogen bondings are the strongest secondary bonds, it is still weaker than normal covalent bonds. यानी कि hydrogen bonding secondary bond के मुकाबले में वो काफ़ी हद तक strong होता है, but अगर हम normal covalent bond के बीच में हम comparison करें hydrogen bonding के साथ तो उसके मुकाबले में hydrogen bonding weak होता है, इसी वजह से उसको total line से हम लोग show करते हैं और normal covalent bond को हम लोग एक line से show करते हैं। The hydrogen bond greatly affect the physical properties such as melting point, boiling point and heat of fusion. यानी इस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये अफेक्ट करता है the melting point, boiling point of heat of fusion. इन तीनों चीज़ों पे अफेक्ट होता है, physical properties पे हाइड्रोजन बॉन्ड का अफेक्ट हो रहा होता है। The most interesting impact of hydrogen bonding is observed in the crystal structure of ice, which causes water to behave abnormally from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. यानी कि hydrogen bonding का effect इसकी physical structure, physical properties में हो रहा होता है, इसके अलावा जो water जो abnormally behave कर रहा होता है in the between the temperature 0 degrees Celsius and 4 degrees Celsius, वो भी hydrogen bonding की वजह से हो रहा होता है। Crystal structure of ice shows a tetrahedral arrangement of H2O molecules.
यानी जब वाटर आइस फॉर्मेशन में आता है तो इस तरह के टेट्राहेड्रल शेप में वह एग्जिस्ट कर रहा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ईच ऑक्सीजन एटम सपोज ए इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय फोर अदर्स सच एज 1, 2, 3 and 4 एज शोन इन द फिगर 11.5। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ए लेट सपोज ऑक्सीजन है और इस तरीके से वो चार बॉन्ड्स बना रहा होता है, ठीक है, लाइक वन, फर्स्ट वन बॉन्ड ये रहा आपका, सेकेंड बॉन्ड वो यहाँ पे बना रहा होता है, थर्ड बॉन्ड वो यहाँ पे बना रहा होता है, एंड देन फोर्थ बॉन्ड वो यहाँ बना रहा होता है। तो इस तरीके से इसकी शेप होती है, टेट्राहीड्रल बन रही होती है। द अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन आइस इज एन ओपन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल लाइक हनी कॉम स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइंग अ लार्जर वॉल्यूम एंड ड्यू टू लार्जर वॉल्यूम आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर हैंस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब इसमें होता है क्या है कि क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है टेट्राहीड्रल है, टेट्राहीड्रल की वजह से वो बहुत सारी जगह खप लेता है, तो बहुत सारी जगह वो ले रहा होता है, इसी वजह से जो बर्फ होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि जो आइस जो होता है उसका जो वजन होता है कंपैरेटिवली वो वाटर से कम होता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है, वो लार्ज वॉल्यूम लेता है, उस लार्ज वॉल्यूम की वजह से आइस के पास लेस डेंस होता है, इस डेंस की वजह से वो वाटर के ऊपर तैरता है, वाटर के अंदर डूब नहीं जाता। When ice melts, some of the fixed hydrogen bonds are broken and the molecules pack themselves more closely together. जब आइस मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, तो उसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है वो आपस में टूट जाते हैं, क्योंकि हीट करने की वजह से क्या होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो टूट जाते हैं, वो ब्रेक डाउन जाते हैं और फिर मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं। जब अपने आप को रीअरेंज करते हैं तो वो जगह कम लेते हैं, इनकी जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो आपस में बहुत क्लोजली पैक हो जाते हैं, यानी मेल्ट करने के बाद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक हो जाते हैं, यानी वो ज़्यादा करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, उसका मतलब है कि वो जगह कम लेगा, उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, और इस वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वाटर की, लिक्विड वाटर की, वो इंक्रीज जाती है। दिस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस इज नॉट कम्प्लीट अंटिल टेम्परेचर 4 degrees Celsius इज रीच, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है कि मेल्ट आइस मेल्ट हो जाता है और फिर वो अपना वॉल्यूम बढ़ा देता है और डेंसिटी इंक्रीज कर लेता है, ये 4 degrees Celsius तक, जब तक 4 degrees Celsius तक नहीं पहुंचेगा उसका टेम्परेचर, तब तक ये पूरा प्रोसेस कम्प्लीट नहीं होगा। इस वजह से कहा जाता है कि वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी है दैट इज अबाउट 1 g/cm³, जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 degrees Celsius पे एग्जिस्ट करती होती है, यानी सबसे ज़्यादा वजन पानी का, जो टेम्परेचर होता है पानी का सबसे बड़ा वजन जो होता है 1 g/cm³ होता है, और ये 4 degrees Celsius में एग्जिस्ट कर, जब वाटर 4 degrees Celsius पहुंच जाता है उसका वजन, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 degrees Celsius अबाउट 0.918 g/cm³, यानी कि जबकि जो बर्फ़ होता है जो 0 degrees Celsius में बर्फ़ बनता है, फ्रीज हो जाता है, उसका जो डेंसिटी होता है वो तकरीबन 0.918 g/cm³। While the density of liquid water at 0 degree Celsius is 0.998 g/cm³, यानी कि अगर आप एक बर्फ को 0 degree Celsius पर रखेंगे तो उसका जो डेंसिटी होगा वो तकरीबन 0.918 होगा, लेकिन अगर आप पानी को 0 degree Celsius पर रखेंगे तो उसका वजन होगा 0.998। इसका ख्याल रखिएगा कि डेंसिटी वाला सवाल अक्सर MCQs में आता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है, तो उसका ख्याल रखिएगा अगर आइस की डेंसिटी पूछ रहे हैं 0 degree Celsius पे इट्स 0.918, अगर वाटर का पूछ रहे हैं तो 0.998। अब इस एनोमलस बिहेवियर का फायदा क्या होता है? ड्यू टू दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर द एक्वाटिक एनिमल्स सर्वाइव इन द विंटर सीजन द रीजन वेयर टेम्परेचर रीचेस मच बिलो 0 degrees Celsius। यानी कि इस एनोमलस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि वाटर जो है नॉर्मल लॉ ऑफ कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन को फॉलो नहीं करता बिटवीन 0 degrees Celsius and 4 degrees Celsius, तो इस वजह से जो पानी के अंदर, समुंदर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो विंटर सीजन में सर्वाइव, जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 0 degrees Celsius से नीचे चले जाता है। When water approaches the temperature, when winter approaches the temperature falls and water of the sea is cooled accordingly and the temperature 4 degrees Celsius, water of the sea attains the maximum density. जब सर्दी आ जाती है तो पानी अपना जो, अगर टेम्परेचर 4 degrees Celsius पहुँच जाता है उसको वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो सारा पानी होता है वो नीचे चला जाता है और सारा जो बर्फ होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो वो बर्फ जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है जिसकी वजह से और ठंड अंदर नहीं आ पाता पानी के अंदर, ठीक है। तो यानी कि इस एनोमलस बिहेवियर का जो हम लोगों को फायदा मिल रहा है वो ये मिल रहा होता है कि जो भी एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो सर्दियों के सीजन में सर्वाइव कर पाते हैं।
वरना अगर एनोमलस बिहेवियर नहीं होता वाटर के अंदर तो क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी बर्फ बन जाता, तो उससे जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स अंदर होते हैं वो सब के सब फ्रीज हो जाते हैं। इस तरीके से समर सीजन्स में जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर उसका जो है लो होता है बाकी लिक्विड्स की तरह, तो अगेन गर्मियों के सीजन्स में जो पानी उबल जाता है तो उसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर पाए जाते हैं वो भी उसमें अफेक्ट हो जाते हैं। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में क्या है। अब नॉर्मली जो लिक्विड होता है वो कोल्ड टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्ट करता है और हाई टेम्परेचर में वो एक्सपैंड करता है यानी फैल जाता है, पर वाटर के अंदर ये क्वालिटी दिखाई नहीं देती। वाटर के अंदर उल्टा होता है, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस जब हीट अप करते हैं हम लोग तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यानी और ज़्यादा करीब आ जाता है एक दूसरे के, तो इस वक्त इनका जो वॉल्यूम होता है मिनिमम तो होता है, बहुत ही कम होता है। इसी तरीके से जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाते हैं तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, वो दोबारा फैल जाते हैं। तो इस बिहेवियर को जो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक हमें दिखाई देता है दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक वो नॉर्मल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को फॉलो नहीं करता, एक एबनॉर्मलिटी दिखाता है, इसीलिए इसको कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यूजुअली हमें विंटर के सीजन में नजर आता है कि जब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पहुंच जाता है तो वाटर जो है वो बर्फ बन जाता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि अगर एनोमलस बिहेवियर एग्जिस्ट नहीं करता तो वाटर जो है उसके अंदर जो जानदार चीज़ें रह रही हैं वो सब जम जाती हैं। तो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर द सरफेस स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाटर जो ऊपर जो सरफेस के ऊपर होता है, टैंक के ऊपर जो होता है वो बर्फ बनना शुरू हो जाता है, तो नीचे का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो होता है वाटर स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग एंड इट डिक्रीजेस। ओके, सो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होता है, और बिलो 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी डिक्रीज होता है। नाउ आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी वो क्या करता है हीट को पास होने नहीं देता। थस द लेयर ऑफ आइस एट द सरफेस ऑफ द लेक डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वाटर टू द एटमॉस्फेयर। एज द वाटर बिलो द लेयर ऑफ आइस रिमेंस एट 4 डिग्री सेल्सियस फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव इन इट। नाउ दैट वी हैव कवर्ड एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी वाटर किस किस के साथ रिएक्शन करता है, और जब रिएक्शन करता है व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस। रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स, वाटर रिएक्ट्स विद मेटल्स इन नंबर्स ऑफ वेज। द डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल्स एंड द पोजिशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी वाटर मेटल्स के साथ डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं जब वाटर रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ। अब ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर वो मेटल कौन से पोजीशन पे है। अगर वो मेटल एक हाई पोजीशन पे है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फायर के साथ, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी के साथ रिएक्ट करेगा। अगर वो जो है रिएक्टिव सीरीज के नीचे में आता है यानी लोअर पार्ट में आता है, तो यानी कि उसकी रिएक्शन या तो बहुत स्लो होगी या वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ, बल्कि स्टीम के साथ करेगा, यानी इसको एक तरह से बूस्टअप की ज़रूरत पड़ेगी। जिसे इसमें देखना है, वी हैव 3 डिफरेंट मेटल्स पोटेशियम मैग्नीशियम एंड जिंक, तीनों को वाटर से रिएक्ट करवाया। तो पोटेशियम जो है व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, यानी इसको वाटर में जब डालते हैं तो धमाके के साथ रिएक्शन करता है, एक आग जला देता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विगरसली, यानी बहुत जल्दी से वो रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। जिंक रिएक्ट स्लोली, जिंक बहुत आहिस्ते से रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तीनों मेटल्स हैं लेकिन तीनों अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं दैट द डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल्स एंड द पोजिशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में उसकी क्या पोजिशन है। अगर वो टॉप पे है तो वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, धमाके से रिएक्ट करेगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी इसकी, या फिर वो बहुत स्लो रिएक्शन करेगा। तो ये डिपेंड करता है ऑन पोजिशन ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, लेकिन जब भी वो रिएक्ट करेगा इट इज गोना फॉर्म बेस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब ये रिएक्शन होगा वाटर एंड मेटल्स का, दे गोना फॉर्म अ बेस, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वी हैव इट विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, यानी यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मेटल्स में अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये एग्जाम्पल्स हैं। अल्कली मेटल्स मीन्स ग्रुप 1 के मेटल्स, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मीन्स ग्रुप 2 के।
जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस. यानी कि वाटर ठंडा होता है तो उसके साथ भी वो रिएक्ट कर लेता है, ठीक है. और वो जब रिएक्ट करता है तो उसमें से H2 गैस रिलीज होता है, लिबरेट होता है, यानी रिलीज होता है उसमें से, यानी H2 गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस उसमें तैयार होता है. सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विगरसली व्हाइल कैल्शियम रिएक्ट्स स्लोली. यानी सोडियम पोटेशियम क्योंकि रिएक्टिविटी इसमें टॉप में होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, तो ये विगरसली यानी बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, और कैल्शियम क्योंकि रिएक्टिविटी इसमें थोड़ा सा नीचे होता है तो उसकी रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होती है. यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड द टेम्परेचर इज कोल्ड, यानी उसको कोई हीट की जरूरत नहीं पड़ती, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली व्हेन पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट वी हैव इज विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. यानी कि जो रिएक्टिव सीरीज में थोड़े से नीचे होते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन रिएक्ट विद हॉट वाटर टू लिबरेट H2 गैस. यानी कि वो वाटर से तब रिएक्ट करते हैं जब वो हॉट होता है, जब वो उस पर हीट एनर्जी मौजूद होती है. ओके, एंड अगेन व्हेन दे रिएक्ट करते हैं दे ऑल्सो लिबरेट H2 गैस. यानी मेटल्स चाहे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो या कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, दे गोना लिबरेट, दे गोना रिलीज H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करेंगे. उसके बाद दे फॉर्म ऑक्साइड्स बनाते हैं और उसमें से बहुत सारी भाप स्टीम निकलता है उसमें से. ओके, लाइक यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे दिया, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, यहाँ पर उन्होंने हॉट कह दिया, सो इट मींस हॉट वाटर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद हॉट वाटर फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद हॉट वाटर फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक, यानी हाइड्रोजन गैस सब बन रहा है और ऑक्साइड इसमें बन रहा है. फिर उन्होंने आखिर में बता दिया कि नोबल मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इन एनी फॉर्म. इन कुछ ऐसे मेटल्स हैं नोबल मेटल्स, यानी कि नोबल इन द सेंस कि दे डू नॉट रिएक्ट, कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड मर्क्यूरी, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, बिल्कुल बॉटम में होते हैं, सो दे रिएक्टिव सीरीज इतना नहीं होता कि वो हाइड्रोजन के वो वाटर से रिएक्ट कर सके. तो वाटर चाहे हॉट हो, कोल्ड हो, स्टीम में भी क्यों ना हो, वाटर किसी भी फॉर्म में मौजूद हो, वाटर से रिएक्ट नहीं करता बिकॉज दे आर ऑन द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. ये तो नोबल मेटल्स वो होते हैं, इट आर ऑन द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड मर्क्यूरी. नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स. अब नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है, पहला है क्लोरीन. क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड. इन दो टाइप के एसिड क्रिएट करता है वो, HCl एंड HClO. हाइपोक्लोरिक एसिड इज अनस्टेबल एंड रेडिली लिबरेट्स एटॉमिक ऑक्सीजन विच कैन ब्लीच, डाइज एंड किल बैक्टीरिया बाय ऑक्सीडेशन. क्लोरीन देयरफॉर इज इन वाटर इज बोथ ब्लीचिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यानी जब क्लोरीन के साथ वाटर को रिएक्ट करवाते हैं, इट फॉर्म्स टू टाइप ऑफ एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड. हाइपोक्लोरस एसिड क्योंकि अनस्टेबल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये और ज़्यादा टूट जाता है, ये और ज़्यादा डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है, दोबारा HCl बन जाता है और एक एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाता है, जो अगेन आप लोगों को एटॉमिक हाइड्रोजन, नेशन हाइड्रोजन बताया था कि जो एटॉमिक फॉर्म होता है गैस का, दे आर वेरी रिएक्टिव. तो उसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है, इट रेडिली रिएक्ट्स विद अनदर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो यानी बेसिकली जब क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन विद वाटर करता है, इट फॉर्म्स टू काइंड ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड. इसमें हाइपोक्लोरस एसिड ब्रेक डाउन कर लेता है बिकॉज इट्स अनस्टेबल, टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एटॉमिक ऑक्सीजन. नेक्स्ट नॉन मेटल दैट वी हैव इज कार्बन. व्हेन स्टीम इज पास ओवर हीटेड कोक एट 1000 डिग्री सेल्सियस, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड नोन एज वाटर गैस प्रोड्यूस. ये आप लोगों ने बॉस प्रोसेस में पढ़ा हुआ था कि व्हेन स्टीम भाप गुजारा जाता है कोक से, यानी कि प्योर कार्बन से एट 1000 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास वाटर गैस तैयार होता है जो कि मिक्सचर होता है बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज सिलिकॉन. सिलिकॉन रिएक्ट्स विद वाटर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर टू फॉर्म एन ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. यानी सिलिकॉन वाटर के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर में रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स सिलिकॉन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो अभी तक हमारे पास तीन थे, क्लोरीन से रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स टू काइंड ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड. कार्बन के साथ इट फॉर्म्स वाटर गैस, सिलिकॉन के साथ इट फॉर्म्स सिलिकॉन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट वी हैव इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड पार्शियली डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इट डिजॉल्व्स इन वाटर बट पार्शियली, यानी वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होता.
है, पार्शली आयनिंग बोलते हैं, काफ़ी हद तक कुछ जो पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्साइड का वो नीचे रह जाता है, तो इट पार्शली डिजॉल्व, पूरी तरीके से वो डिजॉल्व नहीं होता, एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक लाइम भी कहते हैं। लाइम इधर क्या है, चूना, यानी अगर आप चूना को पानी में मिक्स करने की कोशिश करें तो आप नोटिस करेंगे कि वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाता, उसमें काफ़ी हद तक जो है एक लिमिट होती है चूना को डिजॉल्व करने के लिए। ओके, यानी कि बेसिकली क्विक लाइम है वो चूना का पाउडर, एंड व्हेन यू मिक्स इट विद वाटर वो पूरा जो चूना जो बन जाता है जो हम लोग दीवार पर लगाते हैं फिर, दैट इज स्लेक लाइम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एक्शन विद नाइट्रक्स ऑक्साइड, यानी कि वो नाइट्रोजन N2O इसका जो रिएक्शन कैसे करता है, नाइट्रस ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, जो कि अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3। ठीक है, दैट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी वो एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं, इट्स न्यूट्रल अमोनियम नाइट्रेट। ओके, तो व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे, सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट वाटर, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, दैट इट्स कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस। उसके बाद वी टॉक अबाउट एनोमलस बिहेवियर, कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, बॉन्डिंग क्या से क्या अफेक्ट आता है। उसके बाद वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, को किस किस का रिएक्ट करता है। ओके, फॉर योर होमवर्क यू हैव टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस, डिस्क्राइब सम ऑफ द मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, लाइक ऑर्डरलेस, यानी जो हमें दिखाई देती है प्रॉपर्टीज, लाइक इट डजंट हैव टेस्ट, डजंट हैव एनी कलर, डजंट हैव एनी स्मेल, सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। एंड देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की, उसके बाद उसका क्या फायदा होता है हमें जिंदगी में वो बताना है आपको। आफ्टर दैट जो आप लोगों ने अभी केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, उसी को यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू कंप्लीट दिस इक्वेशन, कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू मेक श्योर देयर इज अ बैलेंस, बैलेंस करके ही आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़, एंड मेक श्योर टू डू योर होमवर्क। अल्लाह हाफिज़।